उज्जैन के इस पुलिस अधिकारी से सीखे मेरठ पुलिस, जिस बच्ची को किसी ने नहीं दिया सहारा उसे लिया गोद, जिस बच्ची के साथ हुआ गलत काम सबने दरवाजे कर लिए बंद, नहीं की मदद उसके लिए फरिश्ता बना पुलिसकर्मी, मेरठ में तमंचा रखकर फंसाने का आरोप, उज्जैन में पुलिस की हो रही तारीफ, योगी ने खोल दिया अपना त्रिनेत्र। इधर मेरठ में पुलिस पर तमंचा बाइक में रखकर आईएएस की तैयारी कर रहे टीचर को फंसाने का आरोप लगा। उधर उज्जैन का एक पुलिसकर्मी उस बच्ची के लिए मसीहा बना है जिसकी मदद किसी ने नहीं की, उसके साथ गलत काम हुआ और वो मदद के लिए दरवाजे दर दरवाजे घूमती रही, लेकिन उसकी किसी ने एक ना सुनी, किसी पर उसकी चीखों का असर नहीं पड़ा, सबने उसे देखकर मुंह फेर लिया। फिर एक पुलिसकर्मी आया और उसने कहा कि इस बच्ची की देखभाल मैं करूंगा, इसकी पढ़ाई से लेकर शादी तक का जिम्मा मेरे ऊपर है, इस बच्ची की सिसकियों ने मुझे पिघला दिया है। ये पुलिसकर्मी कौन है आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि हम इन दो केसों की तुलना क्यों कर रहे हैं। दरअसल मेरठ में पुलिस पर आरोप लगे कि उन्होंने खुद ही बाइक में तमंचा रखकर एक ऐसे व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की जो पेशे से टीचर है और आईएएस की तैयारी कर रहा है। सीसीटीवी से पुलिस की पूरी पोल खुल गई और दोनों पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी। योगी आदित्यनाथ भी इस केस पर लाल हो गए, क्योंकि सीएम योगी ने चंद दिनों पहले ही सारे पुलिस वालों को समझाया था। तो एक तरफ तो ये पुलिस वाले हैं जो जबरन किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये पुलिसकर्मी है जो एक बेआबरू हुई बेसहारा को सहारा दे रहा है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि वो पुलिसकर्मी कौन है जिसकी चारों ओर तारीफ हो रही है। उज्जैन की बच्ची के लिए मदद का हाथ बढ़ाने वाले अधिकारी का नाम अजय वर्मा है, जो मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी हैं। फिलहाल वो उज्जैन में महाकाल पुलिस स्टेशन के प्रभारी के तौर पर नियुक्त हैं और वो इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। उज्जैन में जिस बच्ची के साथ गलत काम हुआ उस केस में अजय वर्मा जांच अधिकारी हैं। उन्होंने कहा, पीड़ित बच्ची के कराने की आवाज से मेरा मन द्रवित हो गया। मैंने उसी समय संकल्प लिया कि इस बच्ची को संरक्षण प्रदान करूंगा। उस बच्ची को मैंने पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने का संकल्प लिया है। गोद लेने की कानूनी प्रक्रिया मुझे मालूम नहीं है, लेकिन उसके विवाह, स्वास्थ्य, शिक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, उसको पूरा करेंगे। हालांकि इसके लिए बच्ची के परिवार और दादाजी की रजामंदी जरूरी है। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद और इंस्पेक्टर अजय वर्मा की मानवीयता से प्रभावित होकर अन्य लोग भी मदद के लिए आगे आए हैं, तो यूपी की मेरठ पुलिस के उन अधिकारियों को भी अजय वर्मा से सीखना चाहिए जो किसी को जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करते हैं और वर्दी को बदनाम करते हैं। जहां एक तरफ सारे प्रदेश सीएम योगी के कामों को कॉपी करते हैं, उनकी नकल करके बुलडोजर चलाते हैं, उनकी तरह अपराध पर लगाम लगाना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ मेरठ की पुलिस ने उन सब पर पलीता लगाने का काम किया है, जिससे सीएम योगी बेहद नाराज हैं। खासकर तब जब वो पुलिस को हिदायत करते हैं कि किसी भी अपराधी पर नरमी नहीं बरतनी है, लेकिन यहाँ तो पुलिस ही अपराध की तरफ जा रही है, तो बाबा का त्रिनेत्र खुलना तो बनता है। इसलिए कहा जा रहा है कि मेरठ पुलिस को जैन के उस अधिकारी से सीखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, लीडिंग भारत टीवी।